मुखिया द्वारा सौतेला व्यवहार के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने भरी हुंकार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई की लगातार हो रही अनदेखी। सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्यों को मुखिया द्वारा किया जा रहा नजरअंदाज। पंचायत की विकासात्मक योजना में वार्ड सदस्यों की अनदेखी के साथ ही बंद हो सौतेला व्यवहार। जब मान सम्मान के साथ होने लगे खिलवाड़ तो वार्ड सदस्यों की मुखर होने लगी आवाज। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित रहिका हाई स्कूल के प्रांगण में वार्ड सदस्य संघ की एक बैठक आयोजित की गई। प्रखंड अध्यक्ष राम बहादुर यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत के वार्ड सदस्य उपस्थित हुए तथा कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वार्ड सदस्यों के द्वारा कहा गया कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्य को नजरअंदाज कर मुखिया द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। काम कर वार्ड सदस्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड तथा वार्ड सदस्यों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों ने बताया कि 23 मार्च को रहिका प्रखंड के तमाम वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे। प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के वार्ड सदस्यों ने एक बैठक कर कहा कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्यों को नजरअंदाज कर मुखिया द्वारा लगातार काम करना, वार्ड सदस्य के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद हो, किसी भी योजना में वार्ड सदस्यों को अनदेखी करना बंद हो, वार्ड सदस्यों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बंद हो। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर 23 मार्च को वार्ड सदस्यों द्वारा रहिका प्रखंड के तमाम वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष राम बहादुर यादव, सचिव शंकर झा, प्रवक्ता सुधीर मंडल, मीडिया प्रभारी बबलू ठाकुर, मोहम्मद दुलारे, राजेश यादव, राकेश ठाकुर, पवन सिंह, सुशील पासवान, संतोष पासवान, मोतीलाल यादव, भोगेंद्र झा, नौशाद आलम, मोहम्मद शहादत, अमित वर्मा, पंकज शर्मा, राकेश शर्मा, राजेश सैनी, शेखर झा, अखिलेश राय, सुनील सैनी, नंदन कट, नंद कुमार पासवान, दिनेश यादव, शिव नारायण दास, दिनेश साहू सहित प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए सैकड़ों वार्ड सदस्य मौजूद थे। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। हम लोग आज बैठक जो किए हैं, तीन दिन पहले एक लेटर निकला है जिसमें कहा गया है बीडीओ साहब के तरफ से कि ये जो नल जल कार्य जो है वो पंचायती राज विभाग करेंगे। हम अभी ज़्यादा बात हम लोग नहीं कहना चाहेंगे, हमारे पूर्व वक्ता कहे हैं। हम लोग बृहस्पतिवार को हम लोग एक प्रखंड कार्यालय पर धरना करने जा रहे हैं। उसमें हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उनके विभिन्न सारे मांग हैं, उन मांगों को लेकर के हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना देंगे। और विशेष बात अभी हम नहीं करेंगे, बहुत सारे मुद्दा है, हम लोग उसी समय में हर बात को रखेंगे। और हम लोग को न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रखंड कार्यालय पर आज किए हैं, कल समरनाले करेंगे। हम लोग निश्चिंत से बैठने वाले नहीं हैं और ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जोरदार तरीका से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अपन परिचय। मेरा नाम शंकर कुमार झा हुआ, हम वार्ड महासंघ का सचिव है रहिका प्रखंड के। आज का जो जब बैठक था, इस बैठक को हम लोग बैठक नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बैठक था, क्योंकि पदाधिकारी कोई लेमैन नहीं होते हैं, बहुत शिक्षित होते हैं, बीपीएससी करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई पद मिलता है। उनका भाषा ऐसा होता है कि मुझे नया वार्ड सदस्य कोई मतलब नहीं है, वार्ड सदस्य मेरा कहा नहीं मानेगा तो हम पुराने वार्ड सदस्य काम करा लेंगे, कुछ करा लेंगे। ये कहने का सीधा अर्थ है कि वार्ड सदस्य को वो अपने तहे दिल से अपमानित करने पर लगे हुए हैं। कोई भी काम वार्ड में होता है तो वार्ड सदस्य को इसकी जानकारी तक नहीं होती है, न बोर्ड रहता लगा हुआ है, न एस्टीमेट की जानकारी रहती है, जो मन हुआ मुखिया जी और प्रखंड विकास पदाधिकारी कर लेंगे। तो इस जनप्रतिनिधि को चुनने का